हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो नेक्स्ट इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऑन द बिजनेस इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज। बिफोर 1991, यू नो, बिजनेस इंटरप्राइजेस कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसी for a long time, but after 1991 the market forces have become very dynamic. The business enterprises have to modify their existing policy and operations from time to time. Pehle kya tha ki before 1991 jo business enterprises the wo apne aap ko stable policies, matlab kaise wo market mein stable reh sake, matlab instability bani rehti thi, ठीक है कि कब हमारी कंपनी बंद हो जाए। तो इस तरह की, चूँकि उस समय गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का ज़्यादा ही रूल्स, रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस थे उस कंपनी पे, जिससे वो फ्री होकर वर्क नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आफ्टर 1991 द मार्केट हैव टू मॉडिफाई। जब 1991 के बाद जब मार्केट मॉडिफाई हो गया, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आने शुरू हो गए, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, मार्केट का इन्वायरमेंट, वो चेंज होना शुरू हो गया। गुड्स की क्वालिटी और सर्विसेज की क्वालिटी भी चेंज होनी शुरू हो गई। तो इस मॉडिफाइड इन्वायरमेंट में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, जो ऑपरेशंस थे, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो कंपनीज लाइक नोकिया, सैमसंग, एलजी, वीडियोकॉन कीप ऑन मार्केट मेकिंग चेंजेज इन देयर प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि जब से ये नोकिया और ये सैमसंग, एलजी, वीडियोकॉन डे टू डे, टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कस्टमर, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट। ठीक है, तो जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे वो अपने प्रोडक्ट का भी चेंज हो रहा है। पहले देखिए, पहले कैसा मोबाइल आता था, अब कैसा मोबाइल आना शुरू हो गया। और हर साल हमको लगता है कि हर पर ईयर में वो टेक्नोलॉजी चेंज करते रह रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से कस्टमर की डिमांड भी इंक्रीज कर रही है, क्वालिटी और उसके सर्विसेज को देखते हुए उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर रही है ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका नीड फॉर डेवलपिंग, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको स्किल्स भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि वो इस मार्क, उस जो इंडस्ट्रीज है उसमें अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में वो सर्वाइव कर सके। तो इस तरह के ढेरों सारे कोर्सेज भी इस कंपटीशन के दौर में शुरू हो गए हैं। तो इन इंडिया देयर हैज़ बीन ए ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से लोग ट्रेंड पर्सनल, जो ट्रेंड एम्प्लॉई हैं, उनकी शॉर्टेज है। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्स पर्सनल विद हायर कॉम्पिटेंस। इस समय क्या चाहिए, इस न्यू मार्केट में जो पर्सनल, जो एम्प्लॉई हो, वो अकॉर्डिंग टू इस न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो वेल हायर जो है स्किल्स वाले हों, हायर कॉम्पिटेंस हो, स्किल्स हो उनके पास, ट्रेनिंग उनको एक ग्रेड की ट्रेनिंग दी गई हो। सो देयर इज ए नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस समय के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज में उनकी डेवलप करने की आवश्यकता हो रही है। एज ए रिजल्ट, कंपनसेशन लेवल्स फॉर मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सर्विसेज हैव बीन रेज्ड शार्पली। और इस तेज़ी के साथ जो रैपिडली जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ है या जो कंपनसेशन लेवल हैं, कैसे हम अपने कंपनी को कितना हायर पोजीशन तक ले जा सके, तो वो हायर पोजीशन तक उसी कंपनी को ले जा सकते हैं जिसके अंदर उस हायर स्किल्स वाले मैनेजमेंट हो, हायर स्किल्स वाले इंजीनियर हो, हायर स्किल्स वाले इम्प्लॉयज़ हो, वही उस कंपनी को हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट पड़ती जा रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, मार्केट ओरिएंटेशन है। मार्केट ओरिएंटेशन मींस अर्लियर फर्म्स वेयर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू मार्केट फॉर सेल। बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज अ शिफ्ट टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वेयर द फर्म्स हैव स्टडी
एनालाइज एंड मार्केट फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली। पहले क्या था कि पहले हम गुड्स प्रोड्यूस किए, मार्केट में सेल कर दिए, सेल करने के लिए भेज दिए। अब क्या एक सिस्टम है, अब हम मार्केट रिसर्च करते हैं और कस्टमर के डिमांड, कस्टमर की जो डिमांड है उसका हम रिसर्च करते हैं कि कस्टमर किस तरह के क्वालिटी के गुड्स को, गुड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके क्या बोलते हैं, उसके ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके टेस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसके फैशन कैसे चेंज हो रहे हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से पहले हम मार्केट में पहले हम उसका सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस गुड्स को हम मार्केट में सेल करने के लिए भेजते हैं। तो पहले और अब में बहुत डिफरेंसेज हैं कि जिसमें हम पहले क्या करते थे कि पहले हम गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और फिर मार्केट में सेल करते थे। अब क्या है, पहले हम कस्टमर की नीड्स और उनके फैशन, उनके टेस्ट, उनके प्रिफ्रेंसेस को पहले जानते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तब उस वो गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए भेजते हैं। तो इस तरह का मार्केट ओरिएंटेशन सिस्टम आज के दौर में हो गया है। नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, और इसके कारण जो पब्लिक सेक्टर का जो बजट है वो लॉस के दौर से गुजरना शुरू हुआ। जैसे जो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, जो गवर्नमेंट थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो लॉस में चल रही हैं उनको वो रिकवर दे सके, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का बजट ऑलरेडी घाटे में चल रहा था। तो अब उस बंद पड़ी हुई इंडस्ट्रीज या जो लॉस में चल रही है पब्लिक इंडस्ट्रीज उनको वो बंद कर सके या उनको वो रन स्मूथली रन करा सके, इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां, ऐसी कंपनियां थी या तो वो बंद पड़ गई हो या फिर वो लॉस में चल रही हो, ऐसे इंडस्ट्रीज का उन्होंने क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो बिफोर 1991 ईच एंड एवरी लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर वेयर टू बी बियर बाई गवर्नमेंट बाई ग्रांटिंग फंड्स फ्रॉम बजट्स, क्योंकि इससे पहले जो लॉस में चल रही है पब्लिक सेक्टर की कंपनियां या फिर बंद पड़ी है उसके कारण उनको उसके लॉस को गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता था, जिस और उनके उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को बजट पास करना पड़ता, उसको फंड प्रोवाइड करना पड़ता था, ठीक है। एक तो वो लॉस बियर कर रही है, ऊपर से उसको चलाने के लिए फंड्स प्रोवाइड करना पड़ता था बजट से। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज रियलाइज्ड, इस चीज को महसूस किया दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो दे विल हैव टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, अदरवाइज दीज इंटरप्राइजेज हैव टू फेस डिस इन्वेस्टमेंट। या तो उसको चलाया जा सके, तो चल जाए तो ठीक है, ठीक है, या उसको इंप्रूव कुछ किया जाए, उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए, चल जाता है ठीक है, नहीं तो उसका डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, जिससे कि कम से कम गवर्नमेंट को लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड जो उसको चलाने के लिए उसको देना पड़ रहा है वो फंड उसका बचत पड़ेगा, जिससे कि वो सोशल वेलफेयर का काम कर सकेगी। नेक्स्ट कंक्लूजन के रूप में देखा जाए कि इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऑन द गवर्नमेंट, एलपीजी पॉलिसी ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज, इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज पे, तो एज ए कंक्लूजन के रूप में अगर देखा जाए तो ऑन द होल इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज बीन पॉजिटिव ऑन द इंडियन फर्म्स हैव डेवलप्ड स्ट्रेटजी एंड अडॉप्टेड बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन। तो इन सब में क्या देखा गया कि जो एलपीजी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा इंडियन इंडस्ट्रीज पे, जिससे कि उनके अंदर भी कंपटीशन की भावना आई, जिससे कि वो अपना प्राइस और वह सारी चीज़ें अपना फिक्स कर सके, फ्रीली ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज किया जिससे कि फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमारे वहाँ फॉरेन करेंसी आई, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटलाइजेशन होने लगा जिससे भी फॉरेन करेंसी आई, फॉरेन करेंसी आने से और मल्टीनेशनल कंपनी आने से हमारे जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं उसमें कंपटीशन बढ़ता गया और उनका डेवलपमेंट भी होता गया, जिससे कि हमारा होल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया,
ठीक है, दे हैव बिकम मोर कस्टमर्स फोकस्ड एंड अडॉप्टेड मेजर्स टू इम्प्रूव कस्टमर्स रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन। और जब क्वालिटी गुड्स की अच्छी हो, सर्विसेज अच्छी मिल रही है, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जाता है, कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छा होता गया, और कस्टमर की डिमांड भी बढ़ती गई, जिससे कि कस्टमर की डिमांड बढ़ने से हमारे वहाँ गुड्स की डिमांड बढ़ती है, गुड्स की डिमांड बढ़ने से हमारे वहाँ प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे वहाँ इम्प्लॉयमेंटेशन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे वहाँ बिजनेस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है, और एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि हमारे वहाँ इम्प्लॉयमेंटेशन भी इंक्रीज कर रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।